हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणुका डोरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेणुका डोरा। और थैंक यू, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद, आप इतना प्यार स्नेह हमें हमारे चैनल को दे रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसी तरह अपना प्यार स्नेह हमारे चैनल को देते रहना। थैंक यू सभी का। तो दोस्तों, आज दो गेम होने वाली है। जैसे कि पता होगा आपको, पंजाब किंग्स और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच में, और एक गेम होने वाली है गुजरात और चेन्नई के बीच में। तो दोस्तों, आज मैं MPL फैंटेसी टीम से कैसे टीम बनाई जाती है, कैसे क्रिएट टीम बनाई जाती है, आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज पंजाब और हैदराबाद के बीच में होने वाले गेमों का मैं आज लेकर आई हूं। तो देखिए, मैं यहां का लोगो दिखाती हूं। ये है, आपसे 7 आवर्स और 43 मिनट्स बाकी है इस गेम को होने के लिए। बस मैं इसको क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करती, दूसरे पे खुल के आया जहाँ लिखा है ऐड टीम। ऐड टीम को हमको क्लिक करनी है। तो दोस्तों, आगे बहुत सारी डिटेल्स बनाऊंगी, बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। अगर डिटेल्स आपको जाननी है, तो अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे, फटाफट शेयर कर दे। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सबको शेयर कर दो। और अगर आपने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ प्रेस करना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो जैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स का बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ पंजाब का लोगो, ये हैदराबाद का लोगो है। बीच में क्रेडिट 100 की दी गई है। जस्ट नीचे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये 100 के अंदर ही हमें 11 टीम तैयार करनी है, इससे बाहर बिल्कुल भी जा ही नहीं पाओगे आप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल्स बताते हैं। तो ये होने वाली है संडे, यानी आज होने वाली है 17 अप्रैल। तो ये आज है 17 अप्रैल को होने वाली है, और इसकी टाइमिंग है 3:30 PM। और मैच खेली जाएगी, ये मैच खेली जाएगी DY पाटिल स्टेडियम में खेली जाएगी। और इसकी पिच बहुत ही शानदार पिच है, और बहुत अच्छी सी बॉलिंग वगैरह सब होती है। और वेदर की बात किए जाए दोस्तों, तो बहुत ही साफ सुथरे वेदर है, यहाँ बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हिट टू हिट, दोनों के बीच में कितने बार एक दूसरे के साथ ये दोनों ने अपना गेम खेला है, भिड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो 18 बार भिड़े हैं पंजाब किंग्स और सनराइज़र्स हैदराबाद, जिसमें पंजाब किंग्स है 6 बार विनर हुए हैं और हैदराबाद है 12 बार। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जीतों से, सबसे ज़्यादा गेमों से जीते हैं ये हैदराबाद। तो हैदराबाद की टीम यहाँ पे बहुत ही मजबूत टीम नज़र आ रही है, और पंजाब की टीम थोड़े कमज़ोर नज़र आ रही है। तो क्या पता, हार जीत होती रहती है, आज क्या हो सकता है, आज अपनी टीम में आपने आज पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसका अगर मतलब घर बैठे आप इसका एंजॉय करना चाहते हैं, इस गेम को देखना चाहते हो, तो लाइव टेलीकास्ट होगी स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर देखना, आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही खास होने वाली है एक गेम, आपको इंटरेस्टिंग गेम है, दिखेगा कि कौन अपने खाते में एक और जीत का हासिल बढ़ाते हैं। तो आप बिना मतलब भूले याद से आप देख लेना। तो चलिए आप टीम बनाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हीरा का परख ज्वेलरी जो है वो करते हैं, ज्वेलरी का काम है हीरा को परखने का, तो हीरा का परख वही करते हैं ज्वेलरी। तो उसी तरह से हम लोग भी टीम बनाते हैं, तो हम लोग भी कैसे टीम बनाए जाते हैं, आपके लिए कैसे फ़ायदे हैं, तो हम लोग भी वही सोचते हैं और वही ध्यान रखते हुए हम लोग भी टीम बनाते हैं। तो अगर हम टीम बनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दिमाग के अनुसार इस टीम को अपने मतलब आप खेल सकते हो, पर हाँ, अपने जोखिम के अनुसार खेलना, किसी के सुनने से नहीं, अपना दिमाग लगाना और अपने जोखिम के अनुसार अपना कदम ये उठाना। तो चलिए फिर दोस्तों, हम विकेट कीपर बनाते हैं। हम तो आए हैं मदद करने के लिए, पर आप हमारे मदद से कुछ सीख के, अपने दिमाग लगा कर आप कोई भी गेम खेल सकते हो, अपने जोखिम उठा के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम विकेट कीपर बनाते हैं।
तो विकेट कीपर जहाँ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे खिलाड़ी के नाम आपको दिखेंगे, यहाँ जस्ट बीच में पॉइंट दिखेंगे और यहाँ क्रेडिट्स भी दिखेंगे। तो हमें सबको देखते हुए बनाना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर की जब बात आती है तो मैं यहाँ पर लूँगी जॉनी बेरिस्टो को लेती हूँ यहाँ पे। और देखिए इसकी 9.5 क्रेडिट दिए गए हैं और पॉइंट इसके 51 है। तो इसको ध्यान से हम बनाएंगे। हम एक ही लेते हैं बैट्समैन में हम चलते हैं। तो बैट्समैन में यहाँ पे लूँगी, यहाँ स्क्रॉल करिएगा सारा, यहाँ पे भूलिएगा मत, यहाँ सारे खिलाड़ी के नाम और नीचे भी रहते हैं तो उसको ध्यान रखते हुए आप देखिएगा। तो यहाँ मैं केने विल्सन को लेती हूँ जिसका पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है 200 और क्रेडिट भी है इसका 10। ज़बरदस्त है केने विल्सन बैट्समैन में, तो हम इसको लेते हैं। और फिर इसके बाद में मयंक अग्रवाल है, तो मयंक अग्रवाल का भी 196 पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पे क्रेडिट इसकी 9 दिए गए हैं। तो देखो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं तो मैं इसको भी लेती हूँ। शिखर धवन का सबसे हाईएस्ट मतलब पॉइंट है इसमें 290 और इनका क्रेडिट भी 10 दिए गए हैं, तो इनको कौन छोड़ सकता है, इसको लेना ज़रूरी है तो मैं इसको लेती हूँ। और एक लेती हूँ राहुल त्रिपाठी भी देखो 290 इनका भी पॉइंट दिया गया है और 9 की इनकी क्रेडिट है, तो इनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं तो इनको भी लेते हैं। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं चारों जो मैंने चूज़ किया है। तो चलिए फिर हम इसको डन करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर में। तो जैसे मैं ऑलराउंडर आई, यहाँ पे 321 का पॉइंट दिया गया है लिम लिविस्टन को और क्रेडिट इनकी 9.5 है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका पॉइंट दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलराउंडर में गिने जाते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसे मैं लूँगी अपने इस टीम पर, तो इसको ले ली हूँ। अब आगे बढ़ते हैं बॉलर्स में। तो बॉलर्स की भी टीम देखिए बहुत सारे खिलाड़ी है, स्क्रॉल करते हुए देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ पर लूँगी राहुल चौहर को। तो देखिए यहाँ 276 की पॉइंट इसका और क्रेडिट 9 है, तो इसको मैं लेती हूँ राहुल चौहर को। और फिर कसी को राबदा को भी लेती हूँ, इसका भी अच्छा खासा पॉइंट इसका भी दिख रहा है 219 और 9 क्रेडिट है इनके भी। अब इसका टी नटरंजन को भी लेती हूँ, ये तो और ही ज़बरदस्त इनका पॉइंट दिख रहा है 361, तो इसको भी मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, ये हैदराबाद के हैं टीम से, तो हैदराबाद की टीम से मैं इसको ले रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। तो देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए वैभव अरोड़ा है, इसका भी बहुत अच्छा क्रेडिट और पॉइंट दिए गए हैं, तो ये इनको भी मैं लेती हूँ वैभव अरोड़ा को। और एक मैं लूँगी, तो इसको मैं स्क्रॉल करके देख रही हूँ किसका पॉइंट क्या है, तो ये एक लेना है मुझे। इसी तरह जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको ध्यान रखते हुए बनाना है। तो मैं देखिए कितना ध्यान लगा के बना रही हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट डाउन नजर आ रहा है मार्चो जेंसन, ये है हैदराबाद से, और एक है श्रेयास गोपाल। तो मैं यहाँ पे मार्चो जेंसन को लेती हूँ और यहाँ टीम को रेडी करके यहाँ नेक्स्ट करती हूँ। और जैसे मैं नेक्स्ट करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे खुल के नज़र आ रहा, जिसमें कैप्टन में अच्छा चूज़ की तो दोगुना पॉइंट मिलेंगे, वाइस कैप्टन अच्छा चूज़ किए तो हमें डेढ़ गुना पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए फिर फटाफट हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ कैप्टन लूँगी
लेम लिविस्टन को लेती हूँ कैप्टन में और शेखर धवन को वाइस कैप्टन में। मेरा बन के रेडी है, मैं सेव कर देती हूँ। और जैसे सेव करती हूँ दूसरा पेज खुला है एडिट टीम्स, इसको करना है और यहाँ पे टीम्स वन को हमको क्लिक करनी है। तो दोस्तों देखिए ये बन के रेडी है मेरा ये टीम। और कैसा लगा मेरा टीम, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो बैनर के साथ दोस्त बनाना। और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे इसी वीडियो में टेलीग्राम का मैं लिंक दूंगी, तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।